आपने शाहदोला के चूहों का नाम तो सुना होगा, जिनके सर छोटे होते हैं और मुंह बड़ा होता है। ये अक्सर गली और बाजारों में भीख मांगते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के शहर गुजरात में एक बुजुर्ग के मज़ार से वाबस्ता रवायात सदियों से मशहूर है कि अगर यहाँ पर बे औलाद जोड़ा दुआ मांगे तो इसके हाँ औलाद जरूर होती है। ये मज़ार हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाहदोला दरियाई गंज बख्श का है, जो शाहदोला के नाम से मशहूर है। इससे जुड़ी कई बातें लोगों के लिए हैरानकुन है। रवायात के मुताबिक हजरत शाहदोला दरियाई रूहानी पेशवा थे। अगर इन्हें अपने जमाने का एक मारूफ समाजी कारकुन कहा जाए तो बेजा ना होगा। शाहदोला के मज़ार पर सिर्फ बे औलाद ही नहीं आते, बल्कि एक अकीदा ये भी है कि यहाँ मजदूर बच्चों की मजदूरी भी दूर हो जाती है। मज़ार पर चलने वाले चिरागों में रखा हुआ तेल अगर मजदूर बच्चों को लगाया जाए तो वो सेहत याब हो जाते हैं और इनकी मजदूरी खत्म हो जाती है। यहाँ के अकीदत मंदों का कहना है कि यहाँ आने वाले अक्सर सवाली झोली भरकर ही वापस जाते हैं। ये दुनिया ऐसे ऐसे पुरअसरार राजों की हामिल है कि कई वाकयात नजर के सामने आने पर भी हमें समझ नहीं आते। कई वाकयात बस बातें लगती हैं। हमारी समझ से बालातर के राजों में से एक राज दौले शाह के चूहे भी हैं। सवाल ये है कि शाहदोला कहाँ से आते हैं और उनका पसे मंजर क्या है। एक मरतबा किसी इलाके की महारानी शाहदोला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मेरे पास अल्लाह की हर नेमत दुनियावी दौलत है, हुकूमत है, शोहरत है, लेकिन खुदा ने मुझे औलाद से महरूम रखा हुआ है। दुआ की तालिब हूँ, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए और मेरी हाजत रुवाई करे। शाहदोला ने कहा कि खातून, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त तुम्हें कबूल करना होगी। औरत ने अर्ज किया कि क्या शर्त है। शाहदोला ने कहा, जो तुम्हारी पहली औलाद पैदा होगी वो तुम्हें हमारे लिए वक्फ करनी होगी। औरत शाहदोला की ये शर्त मान गई और इसने वादा कर लिया वो ऐसा ही करेगी। औरत कुछ दिन बाद हामला हो गई और अल्लाह ने इसको बेटा अता किया। इस बच्चे का सर आम बच्चों से कदरे छोटा था। इस औरत के दिल में ख्याल आया कि एक औलाद पैदा हुई है, आइंदा क्या पता कोई औलाद हो ना हो, ये इकलौता बच्चा है, मैं कैसे इसको दरगाह पे छोड़ आऊं। औरत कई दिन तक यही सोचती रही, लिहाजा इसने ये फैसला कर लिया कि बच्चे की विलादत को जाहिर नहीं करेगी और इस बात को राज रखेगी। लिहाजा इस औरत ने ऐसा ही किया। एक रात औरत के ख्वाब में शाहदोला दरियाई आए और उन्होंने औरत से कहा, खातून, तुमने वादा खिलाफी की है, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। औरत ने कहा, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है, मैं इसको अपने से कैसे जुदा करूं। शाहदोला ने कहा, ये बच्चा छोटे सर का है, इसका सर आम सरों से छोटा है, इसके सर से अकल सलब कर ली गई है। ये सुनकर औरत ख्वाब से उठ गई और वो सुबह होते ही बच्चे को डॉक्टर और हकीमों के पास ले गई। सब ने एक ही जवाब दिया, ये बच्चा सही नहीं हो सकता। अब इस औरत को शदीद फिक्र हुई और वो फौरन शाहदोला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मैं अपना बेटा आपकी दरगाह पर छोड़ रही हूँ। ये सुनकर शाहदोला दरियाई ने कहा, तुम्हें शैतान ने गाफिल कर दिया था, मगर खुदा ने करम किया और तुम बच्चा लेकर यहाँ आ गई। अब तुम बच्चा छोड़ो और चली जाओ। इसके बाद इस औरत के यहाँ तीन बच्चों की पैदाइश हुई, जो जिस्मानी और जहनी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त थे। इसके बाद आज तक ये मामूल बन गया है कि बे औलाद लोग मन्नत के लिए यहाँ आते हैं और मन्नत पूरी होने पर अपनी पहली औलाद मज़ार पर छोड़ जाते हैं। ये बच्चे शाहदोला के चूहे कहलाते हैं। ये सिलसिला अभी तक ऐसे ही जारी है। यूं जहालत और अंधे एतमाद की वजह से इंसानियत की तजलील का सिलसिला जारी और सारी है। शाहदोला ने मजदूर बच्चों की परवरिश के लिए इदारा बनाया था, लिहाजा वक्त के साथ साथ हकायक गुम होते जा रहे हैं और रवायात फैलती जा रही हैं। शाहदोला के चूहों के बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि जब इनका आखिरी वक्त आ जाता है तो इनको मालूम हो जाता है और उनको एक खाली कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाता है और चंद दिन बाद जब ताला खोला जाता है तो कमरा खाली होता है। कमरे में बंद किए जाने वाला शाहदोला का चूहा न जाने कहाँ चला जाता है। इसीलिए चंद लोगों का ये भी मानना है कि इनका नमाज जनाजा नहीं होता। इस हवाले से आलमे दीन का कहना है कि ये बिल्कुल बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई गायब नहीं होता, ये सब कुछ झूठ पर मबनी है। आलमे दीन का मजीद कहना है कि इस दुनिया में जो भी इंसान आया है और वो मुसलमान है तो इसकी नमाज जनाजा पढ़ ही जाएगी, लिहाजा कहाँ गायब हो जाना ये सब जाहिल लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। जबकि हकीकत यह है कि मज़ार पर लाए बच्चों के सर पर लोहे की टोपी पहना दी जाती है ताकि दिमाग की नशो नुमा रोकी जा सके। ये बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहते, इस तरह सारी जिंदगी मज़ार के लिए भीख मांगते हैं।
और मज़ार की आमदनी का बड़ा जरिया बनते हैं। आज भी मज़ार पर 10,000 के लगभग दौले शाह के चूहे मौजूद हैं और सैकड़ों हट्टे कट्टे सेहतमंद और नौजवान इनकी कमाई पर मौज मेला कर रहे हैं। आज तक किसी हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया और आइंदा भी हुकूमत से ऐसी कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद करता हूँ आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।